Good morning, students. Welcome back to your science class. Let's continue with our chapter number 14 Electricity and Circuits. In the last class, we have read about the electricity, dry cell, and the cell and the battery. Today, we are going to start with electric bulb and precautions while using electricity. So, let's start with the day two of our class. इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी गेट लाइट बल्ब क्या है सभी को पता है बल्ब क्या है इलेक्ट्रिकल बल्ब राइट इससे हमें क्या मिलती है ग्लास लाइट uh, मिलती है राइट सो यह बल्ब कैसा होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं दिस वी विल स्टडी वी गेट लाइट फ्रॉम अ थिन टाइनी वायर इनसाइड द्लास कवर जो हमें बल्ब से लाइट मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है इसके अंदर सभी ने देखा होगा बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है वहाँ से हमें लाइट मिलती है एंड देट वायर इज कॉल दी फिलाेंट आप देख सकते हो नीचे बल्लब में फिलाेंट हमारे इधर बनाई हुई है लेबलिंग में है दैट इज द फिलाेंट इस फिलाेंट से हमें क्या मिलती है लाइट मिलती है इट इज़ सपोर्टेड बाय टू थिक्कर वायर्स ये क्या इसको जो फिलामेंट है ये तो पहले बहुत पतली सी थिन सी वायर होती है इसको कौन सपोर्ट करता है इट इज़ सपोर्टेड बाय टू थिक्कर वायर्स वन ऑफ दिस थिक वायर्स कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब इनमें से एक वायर कहाँ पे कनेक्ट है बेस बल्ब के बेस उसके नीचे से दी अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस जो सेकेंड वाली है वो कहाँ पर कनेक्ट है उसकी मेटल टिप पे दैट इज ये क्या है इनके टर्मिनल्स हैं द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर दी टू टर्मिनल्स ये हमारे पास क्या है दीज आर दी टू टर्मिनल्स एक ये वाला पार्ट एक सबसे वाला बेस वाला पार्ट दीज आर दी टर्मिनल्स दैट इज दे कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज द टू टर्मिनल्स आर फिक्सड इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर ये कैसे कनेक्ट हैं ये ऐसे कनेक्ट हैं कि इन ये आपस में टच में ना आए जो बलब का इनसाइड है उसमें क्या है एक गैस पड़ी हुई है दैट गैस इज कॉल्ड दी आर्गन गैस जो इसको इसके कलर में हेल्प करती है इसे राइट नेक्स्ट इसी प्रिकॉशंस विथ इलेक्ट्रिसिटी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं सो so, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं वी मस्ट बी वेरी केयरफुल सो हमने कैसी प्रिकॉशंस लेनी है उस टाइम दिस वी विल स्टडी अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम्स वेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम कोई बिजली का काम कर रहे हैं उस टाइम हमें वाटर के साथ कोई काम नहीं करना है नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट विद वेट हैंड्स कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो सर्किट है उसको गीले हाथों से हमने नहीं छेड़ना है क्यों नहीं छेड़ना है क्योंकि वाटर क्या है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर है वो फिर हम पानी के थ्रू हमारी बॉडी में जा सकता है एंड विच कॉजेज द डेथ एज वेल एज शॉक सो नेवर टच योर एनी थिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद योर वेट हैंड्स नेवर यूज़ इक्वमेंट विद ब्रोकन प्लग्स कभी भी हमने अगर हमारे पास जो प्लग है वो जो ब्रोकन है उसमें उस हमने कभी भी कोई इक्वमेंट नहीं लगानी फॉर एग्जाम्पल कोई चार्जर है उसको नहीं लगाना है प्रेस है उसको नहीं लगानी है नेवर यूज़ एनी इक्विपमेंट वेयर द प्लग इज ब्रोकन नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और वायर्स इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और वायर्स से कभी नहीं खेलना कोई उसको टच नहीं करना है नेवर स्विच ऑन और ऑफ़ द गीज़र विथ बेयर फूट कभी भी नंगे पाऊँ हमने गीजर को ऑन जो ऑफ नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि पानी होगा वहाँ पर पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में आ सकती है विच कॉज डैथ इनकेस ऑफ शॉर्ट सर्किट और स्पार्क इन स्विच आउट इट ऑफ इमिजिएटली विथ प्लास्टिक और वुडन स्टिक अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पर स्पार्कलिंग हो रही है किसी स्विच में उसको उसी टाइम प्लास्टिक या किसी भी वुडन की चीज से क्या कर देते हैं हमने बंद करना है प्लास्टिक और वुडन के साथ ही क्यों करना है क्योंकि जो प्लास्टिक और वुडन है इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है सो दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक केयर वाइल वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी हाउ टू कनेक्ट अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल एक बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल से आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है वन इज दी बल्ब एंड अदर इज दी सेल अब इसको हमने कैसे कनेक्ट करना है कि ये जो बल्ब है वो क्या कर जाए ग्लो कर जाए चमक जाए उसमें लाइट प्रोड्यूस हो वैन वी कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ अ पेंसिल सेल टू अ बल्ब यूजिंग टू वायर्स द बल्ब ग्लोज जब हमने क्या करना है हमारे सेल को कनेक्ट करना है बल्ब की दो वायर्स के साथ उस टाइम क्या होगा जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा दिस हैपेंस बिकॉज वी प्रोवाइड द पाथ ऑफ करंट टू फ्लो ये क्यों होगा क्यों हमने क्या किया है पाथ ऑफ करंट प्रोवाइड किया है करंट को फ्लो करने के लिए एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट राइट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट वी हैव टू डू हमने क्या लेना है एक सेल लेना है राइट right? एक बल्ब लेना है बल्ब के पास दो टर्मिनल्स होते हैं दो वायर्स लगी होती हैं वन इज़ द पॉजिटिव वायर एंड अदर इज़ द नेगेटिव वायर तो हमने क्या करना है ये हमने सारा कुछ ले लिया तो हमने क्या करना है सेल लिया जो ये दो वायर्स होती हैं बल्ब की हमने उसको क्या करना है एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है और एक वायर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाना है राइट जो ये बल्ब की पॉजिटिव वाली वायर होगी वो सेल के नेगेटिव वाले वायर के साथ लगेगी और जो बल्ब की नेगेटिव वाली वायर होगी वो सेल के पॉजिटिव वाले के साथ लगेगी तो क्या होगा उस टाइम जो इसको यहाँ पे इसके पास कोई कनेक्शन नहीं था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया इसको तो बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया सो so, इसको अब करंट को पास होने के लिए एक प्रॉपर रास्ता मिल गया है थ्रू विच जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है पास हो रही है सो इन दिस वे वी कैन कनेक्ट अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिकल सेल नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं वन इज दी ओपन सर्किट अदर इज दी क्लोज्ड सर्किट क्लोज सर्किट कौन सा सर्किट होता है जिसमें जो करंट है जो फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड दी क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट नहीं फ्लो करता राइट आप देख सकते हो जब हमारे पास जो स्विच है वो क्या है क्लोज है राइट जब स्विच क्लोज है ये जो हमारे पास दो डॉट्स बनी हुई हैं, ये जब बंद है इसे हम बोलते हैं स्विच जब ये क्लोज है उस टाइम क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो फ्लो करेगा जब ये चीज ओपन है उस टाइम जो करंट है वो नहीं फ्लो करेगा राइट सो so, अगर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सर्किट इज़ एन इन अन इंटेंशनल ब्रेक इन दिस सर्किट अगर कभी भी कोई चीज़ हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो वायर्स हैं वो कहीं से ब्रेक हैं सो क्लोज स्विच में क्या होता है करंट फ्लो होता है और ओपन स्विच में क्या होता है करंट फ्लो नहीं होता नेक्स्ट इज स्विच एंड सर्किट्स ए कम्प्लीट पाथ थ्रू वायर इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क हमें प्रॉपर पूरा रास्ता देना होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को काम करने के लिए इट मीन्स उसमें कोई भी ब्रेकेज रास्ते में नहीं होनी चाहिए ए स्विच वर्क बाय ब्रेकिंग और कम्प्लीटिंग दि सर्किट पाथ जो स्विच है वो कैसे वर्क करता है सर्केट को ब्रेक करने के लिए या उसके रास्ते को कम्प्लीट करने के लिए राइट वेन ए स्विच इज़ ऑन जब हम स्विच हमारा ऑन होता है तो उस टाइम क्या होता है सर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो सर्किट है उसको पूरा रास्ता मिलता है और जो हमारी इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उस टाइम क्या है जो उसका पाथ है वो टूट जाता है जिसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो नहीं चलती है दिस इज दी स्विच एंड सर्किट्स दैट्स ऑल रीड पेज नंबर वन फोर्टी फोर टू वन फोर्टी सेवन फ्रॉम योर बुक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू हैव अ नाइस डे